दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टीव विद्भूषण पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि मिसलेनियस जो आपके विविध टाइप के कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ आपको जो ये वीडियो मिल रही है इसमें आपके BPSC द्वारा जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे उसी प्रश्न को लिया गया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों क्वेश्चन को बखूबी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ बात की गई है कि सीमा साझा नहीं करता है नेपाल के साथ, वो जिला आपको चुनना है कौन सा हो जाएगा। पूर्णिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन पे। जो चीजें एक्स्ट्रा चीजें आपको दी गई हैं उसको भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है। तो यहां से अगर एक प्रश्न आ जाए कि बिहार जो है नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करता है, तो 729 किलोमीटर। या फिर इसी को और ज्यादा तोड़ मरोड़ के पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीतामढ़ी, किशनगंज, अरारिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सीमा रेखा साझा करते हैं। तो नेपाल के साथ आपको जिले याद रखने हैं, वो कौन कौन से जिले हैं जो साझा करते हैं सीमा, तो सीतामढ़ी, किशनगंज, अरारिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये आदि जिले हैं जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो बिहार की ये जिला आपको याद होने चाहिए जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो यहां से आपका सीधे आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार नालंदा महाविहार पुरातात्विक स्थल तथा महाबोधि विहार या मंदिर जिसको कहते हैं, ये दोनों शामिल हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, महाबोधि विहार और आपका नालंदा बौद्ध मठ। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो बिहार सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2006 और 2007 से प्रस्तुत करना शुरू किया। तो यहां से एक प्रश्न आपका यह बन सकता है कि कब से बिहार सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष आरंभ किया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 2022 इस श्रृंखला का 16वां सर्वेक्षण था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2006 और 2007 से पहली बार वित्तीय वर्ष के लिए बिहार सरकार ने सर्वेक्षण प्रकाशित किया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFR, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, जिसका फुल फॉर्म है याद रखना है इसका भी, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि फुल फॉर्म आपसे पूछ ले ICFRE का। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म कहीं आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TFIFCA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IFCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय आपको याद रखना है, फिर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन पटना बिहार राज्य में स्थित है। तो बिहार राज्य के पटना में ये आपका बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया है। कीन गोल्डविक 2 मिलियन, मैक एवेडी एवं जोन्स 4 मिलियन बताया है और थॉमलिंसन ने 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया है। तो यहाँ से अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग अनुमान लगाए हैं। तो यहाँ से आपका कोई भी उत्तर सही नहीं होगा, ये भी जो आपका 2017 में पूछा गया प्रश्न था तो विवादित रहा होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वो आदमी का नाम आपको बताना है। तो नील आर्मस्ट्रांग आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला पहला आदमी था। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आएगा, स्टार लगा लीजिए। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्यौहार है। छठ पूजा को बिहार का महापर्व कहा जाता है। दीपावली से ठीक 6 दिन बाद कार्तिक के शुक्ल पक्ष के 6ठे दिन यह पूजा होती है। इस पर्व पर सूर्यदेव का व उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है और अर्ध डाला जाता है, जिसमें पहला अर्ध सूर्यास्त और दूसरा अर्ध सूर्योदय के समय डाला जाता है। दीपावली जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का मुख्य पर्व है। तो एक प्रश्न यहाँ से एक भी बन सकता है दीपावली के बारे में। तो ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है, हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है ये। विशु केरल का प्राचीन उत्सव है, यह केरल वासियों के लिए 9 वर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है। विशु को आने वाले साल के लिए सौभाग्य व अच्छी किस्म के आगमन का प्रतीक माना जाता है। विनायक चतुर्थी पर प्रत्येक वर्ष भगवान विनायक यानी गणेश के जन्म के अवसर पर भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को महाराष्ट्र के शाही संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो विनायक चतुर्थी महाराष्ट्र का मुख्य पर्व है, यहाँ से ये याद रखना है। 2-3 प्रश्न आपके इसी मेन फैक्ट से बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी कि नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है? तो ये भी आप स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आ जाते हैं सीधे फैक्ट्स पे। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्अंगीकरण के बाद उपर्युक्त में से कोई भी शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है, जो भी आपके ऑप्शन में ये दिया गया था ABCD में। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 2 असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम में तुईपंग तक जाता है। तो ये प्रश्न फिर से बन सकता है, लेकिन यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है कि असम के डिब्रूगढ़ से प्रारंभ होकर मिजोरम में तुईपंग तक जाता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का जो प्रश्न बनेगा आपके, तो थोड़े से फेरबदल में आपसे फिर से पूछा जाएगा। ये 2011 में जब भी पूछा गया ये प्रश्न था, तो ये विवादित रहा होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो आ जाते हैं सीधे आपके एक्सप्लेनेशन पे। वर्तमान में अनेक विमान कंपनियों द्वारा बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस, किंगफिशर एयरलाइंस लाइंस और गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट एयरलाइंस, जेट एयरवेज, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस एवं जेट कनेक्ट एयरलाइंस। ये तमाम प्रकार के एयरलाइंस इस समय बिहार में प्रयोग किए जा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न में जो मूल्यांकन किया गया था, ये आपका विवादित रहा है। तो आप जो है इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से जब प्रश्न बनेगा तो यहाँ से जो फैक्ट्स चीज़ें दी गई हैं इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊँचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार से कहाँ है? तो राजगीर में है, आपको याद रखना है। बिहार में राजगीर की पहाड़ियां 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर एवं चौड़ाई 36 मीटर तक, गुंबद का व्यास 20 मीटर तक है। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से देखते हैं अगला प्रश्न, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा बिहार आपका विख्यात है। तो नव नालंदा बिहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है, जिसे बिहार के सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। तो ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, फिर से आएगा दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
जो आपका पटना में है, इस स्थलों से जुड़ा हुआ है अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कोलंबो, दुबई, अबूधाबी, जम्मू, काठमांडू, नागपुर, रांची, विशाखापत्तनम, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गोवा, लखनऊ, पुणे, श्रीनगर, नई दिल्ली, वाराणसी। तो यहाँ तमाम जो स्थान आपको हमने गिनाया है इस फैक्ट के माध्यम से, तो यहाँ से ये हवाई अड्डा जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय। इसके अंतर्गत आपका सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, दीनदयाल उपाध्याय जिसका मुगलसराय नाम था पहले, और इसका धनबाद मंडल इसमें आते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न फिर से दोहराया जा सकता है, स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है, यानी कि अब कौन से राज्य में फैल चुका है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। भारत का नक्सलवाद क्षेत्र अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार राज्य में विस्तारित हो चुका है। एक समय में ये केवल पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। श्री निवार चंद्र दास गुप्ता थे, तो ये एक पुरुलिया से थे, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता। इनका जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिले स्कूल के हेडमास्टर थे। इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरुलिया जिला ही रहा है, तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। तो वर्ष 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित किया गया, एक पॉइंट यहां से ये बनेगा आपके एग्जाम में, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने संस्तुति प्रदान की 1954 तथा वर्ष 1959 में इसमें संशोधन किया गया। लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने अपने पास रखते थे। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, दो तीन पॉइंट आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब नीचे के जितने भी प्रश्न होंगे कल की वीडियो में हम आपको कराएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।